दुर्ग लोकसभा सीट के लिए कल होने जा रहे मतदान को लेकर मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री का वितरण किया गया। इस दौरान पहुंचे दुर्ग कलेक्टर ने मतदान सामग्री वितरण केंद्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। दुर्ग जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत तृतीय चरण में 7 मई 2024 को मतदान सम्पन्न होगा, जिसको लेकर दुर्ग जिले में मतदान दलों को सामग्री वितरण कर संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवानगी 3 अलग अलग स्थानों पर किया गया। वहीं सामग्री वितरण केंद्रों में संपूर्ण तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सुबह 7 बजे से मतदान दलों को सामग्री वितरण पुलिस प्रशासन की संपूर्ण सुरक्षा के बीच में किया गया। 35 बस बचे नहीं, कुछ जरूरत नहीं, मैं भेज जाएगा। टाइम पास इस दौरान दुर्ग कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज मतदान सामग्री वितरण स्थल मानस भवन, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज और शासकीय विश्वनाथ यादव तमस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय साइंस कॉलेज दुर्ग का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को मतदान से संबंधित वितरण सामग्री निर्धारित स्लॉटवार समयावधि में वितरण करने का निर्देश दिया। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि मतदान दल के अधिकारी कर्मचारियों को सामग्री प्राप्ति करने में किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। हाँ मैडम, इसके साथ ही सामग्री प्राप्त कर मतदान कर्मी मतदान सामग्री मिलान कर लिए दलों के रूट अनुसार वाहनों के माध्यम से संबंधित मतदान केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। दुर्ग कलेक्टर ने मतदान दल में शामिल अधिकारी कर्मचारियों के लिए वाहन पार्किंग एवं वाहन व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने आरटीओ को सभी बस ड्राइवरों को आवश्यक समझाइश देने की सलाह दी। साथ ही कलेक्टर सुश्री चौधरी ने संबंधित प्रभारी अधिकारियों को कार्य बेहतर ढंग से करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी मतदान दलों को सुबह 10 बजे तक रवानगी करने हर संभव प्रयास करने कहा। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस द्वारा कल होने जा रहे मतदान के लिए जगह जगह पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था सुबह से ही नजर आ रही है। इसके साथ ही सभी मतदान केंद्रों में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी के साथ समय समय पर मतदान केंद्रों का जायजा लेने सुनिश्चित किया गया है। इस संबंध में दुर्ग कलेक्टर और महानिरीक्षक ने अपनी जानकारी व्यक्त की है। को कल दुर्ग जिले में लोकसभा का चुनाव होना है और आज उसी के लिए हमारे मतदान दल जो अभी पूरे के पूरे 6 विधानसभा क्षेत्र और 2 पार्शल जो हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं अभी सभी रवानगी की स्थिति में है। मशीनें इन लोगों ने सुबह अपनी जो भी पोलिंग मटेरियल है वो ले लिया है। सुबह 6-7 बजे से सभी लोग यहाँ पे आ गए थे और अभी सभी के सभी निकल करके अपने मतदान केंद्रों पर पहुँच जाएंगे। कुछ लोगों का जो लास्ट मोमेंट पर कुछ इमरजेंसी रही है, हेल्थ की कंसर्न नहीं है, उसको लेकर के जो ड्यूटी चेंज होनी थी वो कार्यवाही अभी जारी है। बाकी हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी जो सीधा ऑब्जर्वर को रिपोर्ट करते हैं उनको भी ड्यूटी असाइन अभी हो गई है, वो लोग भी अभी मतदान केंद्र पे पहुंचेंगे। मतदान केंद्रों में जो व्यवस्थाएं रहती हैं वो लगातार हमने जो नगर निगम है, ग्राम पंचायतें हैं, हमारे सभी सेक्टर ऑफिसर्स के साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है, तो गर्मी को देखते हुए पर्याप्त व्यवस्थाएं वहाँ पे हैं ताकि हमारे मतदान दल जो आज ही पहुँच जाएंगे उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और कल जो हमारे मतदाता हैं उनके लिए गर्मी के पूरे प्रबंधन की व्यवस्थाएं की गई हैं तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और सुगमता से एफिशिएंसी के साथ
हमारा मतदान कल होगा। जिले में लगभग 800 जगह हमने संगवारी मतदान केंद्र खोले हैं। हमारे जो महिला मतदान कर्मी हैं उनकी संख्या महिला मतदाताओं के अनुसार हमारी ज़्यादा ही है, और उसी के हिसाब से तीन जो हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं शहरी क्षेत्र के, दुर्ग शहरी है, वैशाली नगर, भिलाई नगर, उसमें सभी के सभी मतदान केंद्र हमारे महिला मतदाता कर्मियों मतदान कर्मियों के द्वारा प्रबंधित रहेंगे। उनकी लगातार 2-3 बार हमने ट्रेनिंग कर दी है और सभी के सभी, आज सुबह मैंने भी सभी के साथ में घूम करके उनसे सभी से चर्चा की है, सभी उत्साही हैं और कल बिल्कुल स्मूथली हमारा चुनाव। कैदियों के लिए क्या विशेष व्यवस्था रहेगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मतदान से वंचित हो जाते हैं? उनके जेल अधीक्षक के माध्यम से पोस्टल बैलेट का उनसे ऑप्शन लिया जाता है, तो जिन लोगों ने भी अपना पोस्टल बैलेट जमा कराया होगा उनका मतदान पहले से उनका बैलेट आ गया होगा, तो उनके मताधिकार से वंचित होने का अधिकार, अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो किसी को भी मताधिकार से वंचित होने का नहीं हुए देखते हुए, क्योंकि हमारे जिले में महिला मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है और उसमें बहुत सारी महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ में मतदान करने आएंगी हमारी माताएं, तो उनके लिए कि वो लाइन में खड़े हो तो बच्चे उनके परेशान ना हो, इसलिए प्रत्येक मतदान केंद्र में हमने एक पालना घर की व्यवस्था की है, जहाँ पे आंगनवाड़ी की सहायिका वहाँ पे रहेगी, हेल्थ की टीम भी वहाँ पे रहेगी, पानी की व्यवस्था रहेगी, तो पूरी की पूरी व्यवस्थाएं हमने लगा के रखी हैं कि किसी भी वर्ग के मतदाता, चाहे हमारे बुजुर्ग हों, चाहे हमारी महिलाएँ हों, चाहे हमारे दिव्यांग हों, व्हीलचेयर की व्यवस्था भी उनके लिए है, वॉलंटियर्स वहाँ पे रहेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। सुबह 7 बजे आपका मतदान केंद्र खुल जाएगा, आप बड़ी से बड़ी संख्या में सुबह का अवसर का लाभ उठाएं और जल्दी मतदान केंद्र पहुंचे। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।